यस मालिक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विजय सारा दिस साइड। आप लोगों का सीए फाइनल के पेपर चालू है। सीए फाइनल में अगर आप लोगों ने पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्स लिया है तो ये मैं आपको प्लानिंग बताने जा रहा हूं अगले डेढ़ दिन की, कि डेढ़ दिन आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है आफ्टर द पेपर ऑफ एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज कॉस्टिंग के पेपर के बाद आपको किस तरीके से यूज करना है। लॉ का पेपर आपका हो चुका होगा और अब आपको क्या करना है, कॉस्टिंग के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना है। कॉस्टिंग के पेपर के बाद आपको पेपर 6C जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसको किस तरीके से हैंडल करना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस टाइमलाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका कंफर्म आपको क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल टैक्स का पेपर खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल टैक्स का ही प्लानिंग आपका इस तरीके से होना चाहिए कि आपका डीटी के पेपर में जो इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए, और इसलिए टाइम लिमिट आपको फॉलो करनी है। जैसे आप पेपर देकर के आएंगे एएमए का, पहला टाइमलाइन इवेंट है आपका शाम 7 बजे से 9 बजे तक का, राइट। शाम 7 बजे से 9 बजे तक के आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, दो टॉपिक खत्म कर दीजिए जो कंफर्म पेपर में आते आते हैं, वो है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन दैट इज टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड डीटीडब्ल्यूए। इसी के साथ साथ एक और छोटा टॉपिक जो आपका एडवांस रूलिंग है वो भी आप खत्म कर सकते हैं, मतलब 2 घंटे के अंदर में आपका ई कॉमर्स डीटीडब्ल्यूए एंड यू नो एडवांस रूलिंग बहुत आराम से हो जाता है, तो ये आपको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आप आराम से ब्रेक लीजिए अराउंड 45 मिनट्स का, 45 मिनट्स में आपका ना यू नो खाना एंड बाकी चीजें कंप्लीट कर दीजिए। 9:45 से लेकर 12:30 बजे तक का एक भरपूर टाइम आप सिर्फ एनआर टैक्सेशन को देंगे। जब आप एनआर टैक्सेशन को देंगे तो याद रखिएगा टीडीएस की प्रोविजन रिकॉल करना मत भूलिएगा, क्योंकि एनआर टैक्सेशन में जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये हमेशा टीडीएस के साथ आते हैं, तो आपने एनआर प्लस टीडीएस के प्रोविजन को याद रखना है, राइट। और आपने लगभग 2.5 से 3 घंटा आपने एनआर को देना चाहिए। यहां 12:30 बजे मेरे हिसाब से आपने सो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का स्ट्रेस वगैरह सारी चीजें होगी, तो यहां पे आपने यू नो अपने कॉस्टिंग के पेपर को भूल जाना है और सिर्फ इंटरनेशनल टैक्स पे ध्यान देना है। याद रखिए इस इंटरनेशनल टैक्स को इस ऑब्जेक्टिव के साथ प्रिपेयर कीजिए कि पेपर 7 में आपका जो 30 मार्क का इंटरनेशनल टैक्स है वहां आपको वापस से उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो जब आप कंटेंट पढ़ते रहेंगे, आपको पता है पूरा फास्ट ट्रैक मैंने फ्री दिया हुआ है, तो फास्ट ट्रैक से आप 1.5 की स्पीड में पूरा कंप्लीट कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर में अवेलेबल है, वो आप कंप्लीट कर सकते हो, या आप जिससे भी रिविजन करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे मेरे हिसाब से आपने 6 बजे का टाइम रखना चाहिए, सफिशियंट नींद हो जाती है। 6 से 9 बजे तक का पहले सुबह मॉर्निंग का 3 घंटा आपको टीपी पे देना है, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग को अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स हो गया, रोल बैक हो गया, यू नो इसके बाद में आपके वैल्यूएशन के रूल्स हो गए, ये सारी चीजें आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, जितने मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते करिए। यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टीपी के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत अच्छे से करना कहां पेपर 7 के मॉड्यूल से, क्योंकि बहुत अच्छे से आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे तो आपको एमसीक्यू भी यहां पे बहुत अच्छे से जम पाएंगे। 10 बजे 1 घंटे का फिर से ब्रेक लीजिए, 10 से लेकर 12 बजे तक के आपको मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ने हैं। जानता हूं बहुत थ्योरी सा पेपर है, 2 घंटे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं इसके लिए, पर इसको पढ़िए अच्छे से, मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा वेटेज इस पे ज्यादा आ सकता है। अगेन आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है, खाना खा लेना है, 1 बजे से करीब 4 बजे तक के आपको अगले 2 टॉपिक खत्म करने हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट। रेसिडेंशियल स्टेट वाले पार्ट में आपको जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हो गया, पोएम की गाइडलाइंस हो गई, ये आपको कंप्लीट करने हैं, एंड इसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट आता है ब्लैक मनी एक्ट। 5 से 7 बजे 2 घंटा ब्लैक मनी एक्ट बड़े आराम से हो सकता है, तो ब्लैक मनी एक्ट पे फोकस कीजिए। ब्लैक मनी एक्ट के जो अपील वाले प्रोविजन है, जो कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम है, इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। 7 से 9 बजे तक का जो टाइम है आपका, ये अब आपको मिसलेनियस टॉपिक कवर करने हैं। अब ये मिसलेनियस टॉपिक में कौन कौन से हो गए, पहला हो गया बेसिक टैक्स कैलकुलेशन। जी हाँ, कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जब इंटरनेशनल टैक्स का यू नो पेपर देने जाते हैं तो वो लोग बेसिक टैक्स कैलकुलेशन करते ही नहीं। बेसिक टैक्स कैलकुलेशन पर फोकस कीजिए, और एक जो आपके सिलेबस में आपकी बुक में कहीं नहीं लिखेगा पर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो होगा डिडक्शंस। जी हाँ, क्योंकि डीटीडब्ल्यूए के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या यू नो टीपी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अदर जगह पे डिडक्शंस का काम आता है, तो डिडक्शंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक आपको पेपर 7 से पढ़ने ही पढ़ने हैं, और मिसलेनियस यहाँ पे जो कुछ बच रहा है 8 टॉपिक में से, तो उसमें से कोई मिसलेनियस पार्ट बचा होगा तो वो आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 9 बजे से 12 बजे तक का जो रात का टाइम है, यहाँ पे आपको केस स्टडी डाइजेस्ट उठाना है। आईसीएआई का जो केस स्टडी डाइजेस्ट है या जो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है वो आपको उठाना है, और वो उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये केस स्टडी डाइजेस्ट आपको एमसीक्यू में भी हेल्प करेंगे, और इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है उसमें भी आपको क्या किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है केस स्टडी डाइजेस्ट को, और ये केस स्टडी डाइजेस्ट आपको जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सॉल्व करने हैं। यस, अगले दिन सुबह 6:30 बजे का प्लान रखिए, सुबह 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे, ये वो डे है जब आपका पेपर है। 6:30 से 8:30 बजे तक के आपको क्या करना है, आरटीपी एक बार चेक कर लेना है। आरटीपी के अंदर में जो डाइजेस्ट वगैरह आई होगी, ऑफ कोर्स आपने किया होगा पर इस बार आपको सेपरेटली करना है। 9:30 से 12 बजे तक का जो टाइम है, यहां आपका जितना जो कुछ बचा होगा, एमटीपी बचा होगा, कोई केस स्टडी बचा होगा, कोई अमेंडमेंट लेक्चर बचा होगा, या फिर
आपका कोई टॉपिक बचा होगा वो यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से पेपर के दिन 12 बजे के बाद आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, 12 बजे आपका आपका कंप्लीट करके पेपर को अच्छे से देना है। याद रखिए पेपर 7 ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो आप कौन कौन सी बुक लेके जा सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके जा सकते हैं, आप कोई बुक कैरी कर रहे हैं मेरा या कोई ऑर्थर का बुक कैरी कर रहे हैं तो आप वो लेकर के चल जाइए, बुक का एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, पर आपने जिसको देखा होगा वो जरूर लेकर के जाइए। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास 1 या 2 घंटा बच रहा है तो इस 1 या 2 घंटे में आप क्या करें, एक बार मॉड्यूल सिर्फ गो थ्रू कर ले, और आपके पास क्या करें उसका कहीं कुछ प्रिंट आउट वगैरह है कि भैया जैसे मेरे मॉड्यूल में सबसे आगे लिखा हुआ है कि कौन से पेज पे कंटेंट कहां कवर है मॉड्यूल में, तो वो आप अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ढूंढने के लिए ये सबसे ज्यादा काम आएगा कि कौन सा टॉपिक कहां लिखा है। एक डिसीजन जो इस पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि भैया कितने मार्क्स का लिखना है जब भी कुछ आ रहा है, तो यस तो ध्यान से सुनिए, 4 मार्क का है 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको उसको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना है, आपको उसको टू द पॉइंट रखना है और सारे कैलकुलेशन और वर्किंग नोट एंड अजम्पशंस आपको लिखने ही होंगे। यस ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन समझ करके इसको प्लीज बहुत इजीली मत लेना, बहुत अच्छे से आपको ये चीज करनी होगी। और हाँ, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, पूरे एकत्वम अकेडमी की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगला वीडियो जो आएगा ये सीए फाइनल का पेपर के बारे में होगा कि ये किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू सो मच।